वेलकम गाइस। दोस्तों आज की जो वीडियो है हमारी, एक मिनट पहले सबसे पहले आप सुनो, मैं देखो दो तीन पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूं आपको कि वीडियो को स्किप मत किया करो यार, पूरी देखो वीडियो, क्योंकि कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं ऐसे बताता हूं जो सीक्रेट रहते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आप पढ़ सकते हो, तो इसलिए वीडियो को पूरी वॉच करो, ठीक है। पूरी वॉच करने से आपका ही फायदा है, और आज का जो वीडियो है हमारा वो हमारा वेस्ट है चैप्टर 4 पे, UHB यूनिवर्सल हैमन वैल्यूज के ऊपर। तो भैया इस चैप्टर में ना दो तीन चीजें एकदम ब्रह्मास्त्र वाली हैं, हर चैप्टर में रहती हैं। जैसे अगर तुम्हारा कल एग्जाम है और तुम पढ़े नहीं हो कुछ, मारे एकदम मौज मारे हो पूरा साल, ऐसे तो अब की कोरोना सोरोना के चक्कर में पढ़ाई हुई ही नहीं होगी, तो एक काम है जो तुम कर सकते हो वो हम आपको बता दे रहे हैं, एक मिनट। तो भैया सबसे पहले वो तो हम तुमको बाद में बताएंगे, नहीं तुम वीडियो पूरी नहीं देखोगे। देख लो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है। पहला क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओ दीदी जी आप भी देख रही ना, सुनिए एकदम ध्यान से, हाँ कान वान खोल के। पहला है हार्मनी इन एग्जिस्टेंस नेचर एंड स्पेस। भैया इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि आज तक देखे नहीं होगे इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है फोर ऑर्डर्स एग्जिस्टिंग इन नेचर। अगर जैसे कहते हैं ना कि पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम के इसके पर्पज से बहुत। मजाक से हटके हम, काफी टाइम से मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक से हटके दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा है रिसाइक्लेबिलिटी एंड सेल्फ रेगुलेशन इन नेचर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर एक बार ध्यान देना। चौथा है स्वत्व, इनेटनेस बोला जाता है अंग्रेजी में, हिंदी में स्वत्व, ठीक है। और चौथा है फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन ऑर्डर, पांचवा है म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन नेचर, और छठवां है कन्फर्मेंस, आठवां है एग्जिस्टेंस एंड कोएग्जिस्टेंस। अब चलो क्वेश्चन मैंने बता दिए तुमको, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन अगर देखना चाहते हो तो हम शुरू करने जा रहे हैं। ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन है हार्मनी इन एग्जिस्टेंस नेचर एंड स्पेस, पहला क्वेश्चन। भाई साहब ये अगर नहीं पढ़े हो तो भैया अपना नंबर जो है कटवाने की सोच लेना, ठीक है। ये 100% बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो 100% आएगा, चाहे दो नंबर में चाहे 10 नंबर में। अगर दो चाहिए तब भी पढ़ लेना, 10 चाहिए तब भी पढ़ लेना, 10 का तैयार करना यार, 10 का तैयार करने से दो आराम से मिल ही जाता है, तुम्हारा ही होता है। दूसरा क्वेश्चन महा इंपॉर्टेंट है 100%, ठीक है। फोर ऑर्डर्स एग्जिस्टिंग इन नेचर, और स्किप ना करो भैया, ये वाला इंपॉर्टेंट है, मगर थर्ड नंबर पे 100% कौन सा है वो नहीं जानते तुम। थर्ड नंबर हमारा स्वत्व है, इनेटनेस, ये मेरी से गलती हो गई, ठीक है, इसको मैं ऊपर लिखता मगर ये गलती से समझ लो, वीडियो में थोड़ा सा ट्विस्ट लाने के लिए भी है। ये तीसरे नंबर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्वत्व, ठीक है। ये तो इन क्वेश्चन पढ़ लेना, नैया पार हो जाएगी। उसके बाद चौथे पे ये रखना, ठीक है, चौथे पे आई थिंक 90% इसे हम दे सकते हैं, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप देख लीजिएगा। फिर फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन ऑर्डर, म्यूचुअल फुलफिलमेंट नेचर, ये दोनों एक के हैं भैया, समझ लो ये नेचर से है, ये ह्यूमन ऑर्डर से थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है, ह्यूमन और उसमें तो समझ रहे हो ना। और कन्फर्मेंस एक काफ़ी दो नंबर में आता है भैया, ये क्वेश्चन दो नंबर में आता है। एग्जिस्टेंस एंड को एग्जिस्टेंस दो नंबर में आता है, और सबसे बेस्ट आंसर्स अगर इनके चाहिए तो गूगल कर लो, अगर गूगल नहीं कर सकते तो 50 से 60 रुपये खर्च करके एक क्वांटम खरीद लो, जैसे हमारे पास है, हम देखो उठा के लाए थे, किसी की है ये है किताब काफ़ी, अरे यार नाम तो नहीं देख लिए तुम लोग चलो नाम रिवील करेंगे तुमको नाम बाद में, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने मार्क की हैं, तो कोशिश करो कि एक यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की क्वांटम खरीद लो, दाम ज़्यादा नहीं है यार, दाम कितना है इसका, 60-60 रुपये में हमें मिली थी, 60-70 रुपये में मिली थी, और नहीं होता तो फोटो कॉपी करवा लो, वो सस्ती आ ही जाती, एक बार क्लोजर लुक ले लो इसका, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट भैया, अगर नैया पार करनी है आपको तो पहला क्वेश्चन 100% आना है, दूसरा क्वेश्चन 100%, तीसरा नहीं आएगा, आ सकता है, ज्यादा तो नहीं चांसेस है, बट चौथा, ये तीन क्वेश्चन अगर देख लिए तो माँ कसम करें 15 नंबर से कम नहीं पाओगे, ठीक है, इस चैप्टर से। अब और का तो हम नहीं गारंटी ले सकते भाई, मगर इतना है कि हर चैप्टर में से अगर आपको 15 नंबर दिला रहे हैं तो इसमें 75 नंबर पा जाओगे हर चैप्टर में से, 15-75, ठीक है। बाकी अगर जितने बता रहे हैं अगर ये सब पढ़ लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना क्वेश्चंस घुमा दिए जाते हैं, एग्जिस्टेंस एंड को एग्जिस्टेंस पूछ लिया जाता है, बट कभी नहीं, जैसे होता नहीं प्रोबेबिलिटी पढ़े ही हो यार कि एक बॉल है उसको निकालने के चक्कर में पता नहीं कितनी बॉल छुए हैं, समझ रहे हो, तो वही है बॉल वॉल का खेल है भैया। इसमें भी हम भी जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत रिफाइन करना पड़ता है क्वेश्चन को, ठीक है, कहाँ कहाँ से ढूंढना पड़ता है, कितने इयर्स को एनालाइज करना पड़ता है, ये देखिए सब एनालाइज के ही वो हैं सब, ठीक है, एनालाइज करना पड़ता है और फिर उनके बाद कहीं पे जाके ये पूरा सार निकलता है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए,
चलते हैं, अपने गर्ल फ्रेंड्स को शेयर करो यार, बता तो रहे हैं आपको, सीक्रेट है ना, अगर अपने ग्रुप को पास कराना है भैया तो ये जो है उनको बता दो, हम गारंटी लेते हैं। जिसकी अंग्रेजी कमजोर है, जो भी यूपी बोर्ड से आया है, अगर डर लग रहा है कि हम यूपी बोर्ड से हम अंग्रेजी नहीं लिख पाएंगे, भैया बस ये 4-5 सवाल पढ़ लो, रट डालो, अगर नहीं होता यूपी बोर्ड से आया, रटने वाली स्किल तो तगड़ी होगी तुम्हारी, रट डालो, हम कह रहे हैं आराम से नैया पार हो जाएगी, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। और सुनो, हम अभी बता रहे हैं, अगर इन क्वेश्चंस में से को क्वेश्चंस ना फंसा तो चैनल पे आके पहले हर वीडियो डिसलाइक करना, और जितने कमेंट है ना सब में जो है गाली भर के जाना, यू आर फ्री टू डू दैट। ओके, तो चलते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर, पढ़ते रहो सब लोग, बाय बाय, लव यू ऑल।